राजधानी में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाश एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाकर लाखों रुपए के सोना चांदी और नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। खास बात यह है कि बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब दुकान मालिक महज 5 मिनट के लिए पूजा का पानी भरने के लिए गया हुआ था। घटना खोर नागरियन थाना इलाके के प्रेमनगर में जय अंबे ज्वेलर्स की है। वारदात का पता लगने पर दुकान मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर आई पुलिस ने बदमाशों की तलाश में नाकाबंदी कराई, लेकिन बाइक सवार बदमाश पकड़ में नहीं आ पाए हैं। थानाधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि बैग में करीब 60 ग्राम सोना, 12 किलो चांदी और करीब 22,000 रुपए नगद थी। फिलहाल पुलिस ने आसपास से सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इसमें बाइक सवार बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार होते नजर आए हैं। बहरहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। ये एक्चुअली लूट नहीं है, ये चोरी का मामला है। ये राकेश सोनी जी हैं, इनकी अंबे ज्वेलर्स के नाम से प्रेमनगर में दुकान है। सुबह ये 10 बजे के आसपास अपना बैग लेके आए थे ज्वेलरी का, दुकान खोलकर और उसको बैग को अपने काउंटर पर रखकर बगल में कोई पानी वानी भरने साइड में की गली है उसमें चले गए। 10 मिनट बाद आए तो उनको बैग नहीं मिला, तो आस पड़ोस में पूछा तो मालूम चला कि भी कोई 4 लोग 2 मोटरसाइकिल पर आए थे और वो लोग बैग लेके निकल गए। तो आसपास सीसीटीवी कैमरे देखे, उनमें कुछ हुलिया नज़र आ रहा है, पल्सर मोटरसाइकिल है, उसकी नाकेबंदी वगैरह करवाई है। यह साफ सफाई करके पानी लेने गया था, यहाँ बैग रखा था मेरा, मैं पूजा के लिए पानी लेने गया था तो पीछे से गया बैग उठा के ले गए, मतलब पड़ोसी ने बताया मुझे जाके। कितने जने थे, कैसे आए थे? अब मेरे को कुछ पता नहीं, मैं तो पानी लेने गया था, 2-4 जने बता रहे हैं। हाँ। बैग में क्या क्या था? बैग में ज्वेलरी थी बनी। कितना कितनी ज्वेलरी थी? 8 या 10 किलो के मान, 10 किलो चांदी। हाँ, चांदी की। और 3 किलो अंगूठी अलग से थी, मैं ऑर्डर का काम करता हूँ। और 60 ग्राम सोने के सामने। और नगद? नगद 22,000 रुपये।